अस्सलाम वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज के टॉपिक में एक फ्रूट है, उस फ्रूट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, वो आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस बीमारियों में ये आपको क्योर करेगा और कौन सी बीमारी में इसको यूज़ करने से बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं या किस तरीके से आप इस फ्रूट को यूज़ करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक फ्रूट है वो है ऑरेंज। ये देखिए, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं हर तरफ हर मार्केट में खूबसूरत से ऑरेंज, बहुत प्यारे से, ये देखिए कलर कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना। जब मैं मार्केट में जाती हूँ मुझे सबसे मज़े की चीज़ ये नज़र आती है कि हर जगह पे जब गर्मी आती है तो हर जगह पे येलो 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 सा मैंगो नज़र आता है, सर्दियाँ आती हैं तो हर जगह ऑरेंज 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 सा नज़र आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा दिल चाहता है कि ये ऑरेंज जो है ना एक पिक्चर बना के बड़ी सी अपने घर में ज़रूर लगाऊँ, इतने ज़्यादा ढेर सारे ऑरेंजेस की। तो ऑरेंज के बेनिफिट्स को आज हमने डिस्कस करना। ये जो ऑरेंजेस है ना, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजे हैं कोई सरगोदा टाइप कहीं से स्पेशल आए, तो इनको देख के मुझे याद आया कि इनके बेनिफिट्स मैं जो उठा रही हूँ आप सबसे भी शेयर करूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स देखते हैं जी। सबसे पहले इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी आपको पता है सॉल्युबल इन वाटर जो चीज़ है वो 24 आवर्स के लिए आपकी बॉडी के अंदर ठहरती है, उसके बाद चली जाती है। उसके आपको पता है कि विटामिन ए एंड विटामिन ई जो है वो सॉल्युबल इन फैट है, वो आपके जिगर के अंदर स्टोर हो जाता है। जब आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो आपको वहाँ से मिल जाता है, यूज़ हो जाता है, लेकिन आपको विटामिन सी जो है उसको डेली बेस पे ही लेना पड़ता है। अब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी करता है, आपको यंग दिखाता है, आपको खूबसूरत नज़र आते हैं आप, और विटामिन सी से आपकी आंखों की चमक बिल्कुल ठीक हो जाती है, आपकी आईसाइट बेहतर होती है, आपके बाल ठीक होते हैं, आपका फेस आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। ये तमाम चीज़ें होती हैं आपको विटामिन सी से। उस इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए लोग डेली बेस पे विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, डेली बेस पे विटामिन सी के कैप्सूल्स ले रहे हैं, डेली बेस पे विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो इन विंटर जब आपको ये किन्नू ऑरेंज इजीली अवेलेबल हो जाए तो आपने ये सपोज करना है कि जो आप टैबलेट ले रहे हैं विटामिन सी की डेली बेस पे उसको स्किप करना है। दिस इज़ योर विटामिन सी टैबलेट, दिस इज़ योर विटामिन सी सप्लीमेंट, दिस इज़ नॉट ए टैबलेट, दिस इज़ ए बॉम ऑफ एनर्जी। इसको यूज़ करने का बस मेथड आपने प्रॉपरली सीख लेना है। इसके हेल्थ बेनिफिट को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि इस ये आपकी बॉडी के अंदर आयरन को जज़ब करने में मदद देता है, आपकी बॉडी के अंदर आयरन अब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर आप एनेमिक है और आप डेली बेस पे कोई एनेमिक होने की वजह से आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप डेली बेस पे वन ऑरेंज लेंगे तो ये आपके आयरन को आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा सा जज़ब कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है जो देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो आपके बीपी को ये मेंटेन करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, पोटाशियम आपका ब्लड सर्कुलेशन रेट को मेंटेन करता है। तो वन ऑरेंज गेट राइट द हाइपरटेंशन, डेली आप लें तो आप हमेशा के लिए जान छुड़ा लें हाइपरटेंशन से। उसके बाद ये बहुत अच्छा मैनेज करता है डायबिटीज़ पेशेंट की, डायबिटिक सिचुएशन को बहुत अच्छा मैनेज करता है, क्योंकि इसके अंदर लो रेट ऑफ शुगर होती है। तो आप डेली बेस पे वन ऑरेंज तो ले सकते हैं, वन ऑरेंज के अंदर जितना भी ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी के लिए इनफ है, वो आपके शुगर लेवल को आप नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि 1 किलो ऑरेंज या 12 ऑरेंज डेली के खा के आपने कहना डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था अभी खा लो शुगर में कुछ नहीं होता और शुगर ऊपर करके आ जाना। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल नहीं कह रही, डॉक्टर साहब ये कह रही हैं ओनली वन ऑरेंज फॉर वन डे। ओके, अब आपको शुगर को मैनेज कर रहा है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रहा है, आपकी स्किन को हेल्दी कर रहा है, आपको आयरन को अब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, और इसके अंदर क्या है फाइबर, लॉट ऑफ क्वांटिटी फाइबर। फाइबर आपको पता है कि बहुत ही एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि ये आपके अंदर बॉडी के अंदर
फुल फीलिंग देता है। फाइबर खाने के बाद आपको फुल फीलिंग सी आती है, आपको बार बार कुछ खाने का मंचिंग करते हैं, बार बार मंचिंग से आपकी जान छूटती है, बार बार कुछ खाने की वजह से आप मोटे होते हैं और ओबीस होते जाते हैं, उससे आपकी जान छूटती है। फाइबर क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल लेवल पे लेके आता है। आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसको काटता है, और अगर आपने कोलेस्ट्रॉल वाली कोई चीज़ खा ली है तो उसको बढ़ने नहीं देता। आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपके डायबिटीज़ को मेंटेन करता है, उसके बाद ओबेसिटी, आपका मोटापा, आपके मोटापे को मेंटेन करता है कि इसका फाइबर जो है वो आपको भूख नहीं लगने देता है, और इसका विटामिन सी जो है वो आपकी आयरन को एब्जॉर्ब करता है और आपको हेल्दी बॉडी देता है। तो ये तो इसके थे बेनिफिट्स। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसके डिसबेनिफिट्स क्या हैं। इसके डिसबेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप ऑरेंज की बजाय ऑरेंज जूस यूज़ करते हैं, ऑरेंज जूस आपको उतना ही नुकसान देता है जितना ये होल ऑरेंज आपको फ़ायदा देता है। ऑरेंज जूस में क्या होता है कि आपने एक ग्लास ऑरेंज जूस के लिए कम से कम 3 से 4 या 5 ऑरेंज तो उसमें डलते हैं। जब आप जूस बनाते हैं 3 से 4-5 ऑरेंज डालते हैं तो उसका जो फ्रुक्टोज शुगर है वो आपको मिल जाता है, वो आप पी लेते हो, और जो उसका फाइबर है जो आपको हेल्दी रखता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इवन कि आपको कोलन कैंसर से बचाता है या ऑल टाइप ऑफ कैंसर से बचाता है, ये आपको आपकी बीमारी को बढ़ने नहीं देता। उस मैजिकल फैक्ट फाइबर को आप ढेरों ढेर फेंक देते हो, और जो उसका सिर्फ शुगर है, जो फ्रूट का शुगर है, जिसने आपको विटामिन सी के साथ विटामिन सी थोड़ा और फ्रुक्टोज शुगर बहुत ज़्यादा दे देता है, जो आपको मोटा करने में आपको बहुत हेल्प करता है। बाहर जाके आप लोग ये समझते हैं कि हमने एक ग्लास जूस ले लिया तो हम अभी तक स्टिल अपनी डाइटिंग पे हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिया। आप अपनी डाइटिंग पे नहीं हैं, आप अपनी डाइटिंग तोड़ चुके हैं, आप एक्स्ट्रा बॉडी की डिमांड से ज़्यादा बॉडी में शुगर डाल चुके हैं। आपको पता है कि शुगर जो है डेट्स कन्वर्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट टू फैट, एंड फैट मेक ए बल्की बॉडी। फैट जो है वो एक मोटी बॉडी आपको देता है। तो यू हैव टू अवॉइड दी ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को कौन नहीं ले सकता? जिनका एच प्लोरी पॉजिटिव है, जिनको स्टमक अल्सर है, जिनको स्टमक में एसिडिटी है, तेजाबियत है, तेजाबियत वाले पेशेंट को ये लगता है कि ऑरेंज ठंडा ठंडा खा के मेरी तेजाबियत कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एसिडिटी, इसके अंदर एक एसिड है, तो अगर आप किसी ज़ख्म के ऊपर डेली कोई एसिड डालोगे तो वो ज़ख्म ठीक तो नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा। तो जब अगर आपको स्टमक अल्सर है या तेजाबियत है तो आप उस पर ऑरेंज जूस डालोगे तो वो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, आपकी तेजाबियत बढ़ेगी, और आपको इनटेक ऑफ ये जो स्टमक डिजीज़ की टैबलेट्स हैं उनका इनटेक आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अवॉइड करना है उन तमाम पेशेंट्स ने जिनको स्टमक अल्सर है, तमाम उन लोगों ने जिनको सिट्रिक एलर्जी है, उन लोगों ने इसको अवॉइड नहीं करना, इसको अवॉइड करना है, सॉरी नहीं नहीं करना, करना है। फिर उसके बाद इसको ले कौन सकते हैं? इसको प्रेग्नेंट वीमेंस इसको ले सकती हैं, जो माएँ दूध पिला रही हैं वो इसको ले सकती हैं। उसके बाद पेशेंट जो है ना, हर तरह का पेशेंट ले सकता है, लेकिन होल ऑरेंज, होल ऑरेंज मीन होल ऑरेंज, नॉट ऑरेंज जूस। उसके बाद आ जाते हैं स्किन की, चमकदार स्किन की हेल्थ का राज, वो ये है कि जैसे ही आपका ये जितना भी फाइबर बचता है, 2-3 बाइट्स लो, ठीक हो, उसको पल्प को ऐसे ऐसे थोड़ा सा दबा के उसका गूदा से बनाओ, उसको पूरे फेस पे ऐसे ऐसे करके अप्लाई करो, रब करो, और उसके बाद उसको ड्राई होने दो। जब वो ड्राई हो जाए तो देन आपने क्या करना है कि फेस को वॉश कर लेना। ये देखिए, मैं ये पील ऑफ कर रही हूँ आपके सामने, इसको ये देखिए, इसका ये जो छिलका है ना, ये ऑरेंज का जो छिलका है, इसका जो ये बाहर वाला पार्ट है, इसको आपने ये देखिए, इससे ये रगड़ के आपने नाइफ के साथ ये वाइट वाला पार्ट उतार लेना है आपने, ठीक है। उतारने के बाद ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसको आप सुखा लीजिए, सुखा के इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए, ये ऑरेंज पाउडर बन जाएगा। अब ऑरेंज पाउडर को आपने क्या करना है, ऑरेंज पाउडर के अंदर यही जो ऑरेंज है, ये जो पल्प के अंदर एक ऑरेंज है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो दिल चाह रहा होगा ना खाने को, मेरा भी चाह रहा है, बाद में कहूँगी। ये जो ऑरेंज है ना, इसका जो जूस है उसको दबा के आपने उस
ऑरेंज पाउडर में डाल के पूरे फेस पे, स्पेशली आपने डार्क सर्कल आंखों के नीचे अप्लाई कीजिए, ड्राई होने दीजिए, उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए, एकदम अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। और ये जो पाउडर है इसको आप अपने दांतों पे भी मलेंगे तो दांत भी आपके ब्राइट ब्राइट से हो जाएंगे। देख लीजिए अल्लाह पाक ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। फाबेंगी अलाई रबी कुमत कज़बान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बेशक हम कौन कौन सी नेमतों को अल्लाह पाक की जुटलाएं। एक ऑरेंज, और इसमें इतने बेनिफिट्स हैं। सिर्फ इसको गलत रूल में नहीं खाना, आपने इसको कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, इससे ज़्यादा नहीं खाना। पहली बात, इसको नाइट में यूज़ नहीं करना। दूसरी बात, इसको आपने जूस की सूरत में नहीं लेना। तीसरी बात, आपने इसको जो स्टमक अल्सर के पेशेंट है उन्होंने ये नहीं लेना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक मत कीजिएगा। जो बात आपको बुरी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।